बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़र हैं। दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान की एक रोज़ा क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। दोस्तों, पीसीबी की जानब से तीनों फार्मेट की टीमों के अलग अलग कप्तान नामजद किए जाने पर गौर। दोस्तों, बाबर आजम भी दौड़ में शामिल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ZA न्यूज़ को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान की एक रोज़ा टीम के नए कप्तान हो सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी कौमी क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए गौर कर रहा है। दोस्तों, इन तब्दीलियों में कप्तानी की तब्दीली भी शामिल है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक पीसीबी इस वक्त एक रोज़ा क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम के नामों पर गौर कर रहा है। दोस्तों, ज़राए का मजीद कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर काम के बोझ में कमी के पेशे नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम ने तीनों फॉर्मेट के लिए अलहदा अलहदा कप्तानों की तकर्री पर गौर शुरू कर दिया। दोस्तों, जिनको उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हर तर्ज की क्रिकेट के लिए अलग क्यादत मौसर साबित हो सकती है। दोस्तों, गैर मुल्की और मुल्की कोच की तकर्री पर मुतजाद अरा के बावजूद साबिक जिम्बाब्वे यूरिन कप्तान एंडर फ्लावर की खदमात के असूल पर भी नगाह मरकूज है। दोस्तों, क्या मोहम्मद हफीज और बाबर आजम में से दोनों में से किसको कप्तान होना चाहिए? दोस्तों, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी होगी उसे प्रेस करना ना भूलें।